हेलो दोस्तों, मैं हूँ सारा और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किड्स पर। दोस्तों, आज मैं आई हूँ भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कुछ पंक्तियाँ लेकर, जिन्हें भारत में पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ लाला लाजपत राय जी के बारे में। चलिए जानते हैं भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। लाला लाजपत राय जी भारत के एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारत देश के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी या पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम गुलाब देवी और पिता का नाम राधा कृष्ण था। लाला लाजपत राय जी के पिता उर्दू और फारसी भाषा के शिक्षक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। वे लाल बाल पाल नामक त्रिमूर्ति के सदस्य भी थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। साइमन कमीशन के खिलाफ हुई लाठीचार्ज में वे बुरी तरह घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। लाला लाजपत राय जी का जीवन आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक एंड शेयर तो बनता है, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।